मुम्ब्रा शील में पहली बार आरके इंटरप्राइजेस आपके लिए लाया है टुडे ब्रांड 100% नेचुरल ऑयल प्योर एंड हेल्दी जो कोल्ड प्रेस ऑयल मशीन में तैयार किया जाता है। इसके अलावा ऑर्गेनिक मसाले फ्रेश आटा मल्टीग्रेन आटा सब कुछ नेचुरल। कस्टमर की डिमांड पर आंखों के सामने मशीन से निकाल कर दिया जाता है। आपका अपना टुडे ब्रांड असली खाएं सेहतमंद रहें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। फिल्मी स्टाइल में मिल्क वैन में गांजे की तस्करी करने वाले एक आरोपी को थाने के कापरवावड़ी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि भिवंडी से थाने में ये गांजे की तस्करी कर रहा था और तस्करी करने का भी अनोखा तरीका इसने ढूंढ लिया था। मिल्क वैन यानी कि दूध ले जाने वाली टेम्पो में ये गांजे की तस्करी कर रहा था और कापुरबावड़ी पुलिस स्टेशन को ये जानकारी मिली थी कि भिवंडी से थाने में तस्करी करने के लिए एक शख्स आने वाला है, जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी की और एक टाटा टेम्पो को रुकाया जो मिल्क वैन थी। जब पुलिस ने इसकी तलाशी ली तो इसमें गांजे की 11 बोरियां बरामद की गई, जिसमें कुल 110 किलो गांजा बरामद किया गया है। आपको बता दें कि कापुर बावड़ी पुलिस ने आरोपी जिसका नाम है अम्बालाल जाट, ये भिवंडी से थाने में तस्करी करने के लिए आया था, लेकिन मूल रूप से ये राजस्थान का रहने वाला है और पुलिस ने टेम्पो सहित गांजे की 11 बोरियों को जब्त कर लिया है, जिसकी कुल कीमत 16 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में भी पेश किया और कोर्ट ने इसे 13 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। सीनियर पीआई विकास घोटके ने इस पूरे मामले में क्या जानकारी दी है आपको सुनाते हैं। कल 7 जुलाई को हमारे क्राइम ब्रांच यूनिट 5वागले यहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिली कि भिवंडी से एक टेम्पो में से गांजा की तस्करी हो रही है, थाना में वो गांजा बेचने के लिए आ रहे हैं। तो हम लोगों ने हमारे क्राइम ब्रांच के सीनियर ऑफिसर से शेयर करके उनके मार्गदर्शन में उनके गाइडेंस में हम लोगों ने कपूरवाड़ी के फायर ब्रिगेड की यहाँ पे ट्रैप लगाया तो हमको एक छोटा हाथी टाटा एस टेम्पो जिसका नंबर है MH0 पर HS1485 ये मिला। उसकी जब हम लोगों ने छानबीन की तो टेम्पो में से हमको 11 गोनी में से टोटल 110 किलो गांजा मिला है और ये चला रहा था जो टेम्पो जिसके इसमें था उसका नाम है अम्बालाल जाट, वो भिवंडी का रहने वाला है, वो मूल निवासी राजस्थान का है और टोटल 16 लाख की कीमत का हम लोगों को वहाँ पे गांजा और इतर सामान मिला है। हम लोगों ने जब्त करके कापुरवाड़ी पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। इसमें जो आरोपी हमको मिला है अम्बालाल जाट, जिसको हम कोर्ट में पेश किए, माननीय कोर्ट ने उनको 13 जुलाई तक पुलिस कस्टडी दी है। हम लोगों को प्राथमिक जो अभी तक की प्राइमरी इंक्वायरी हो गई है, इन्वेस्टिगेशन हो गया है, उसमें से ऐसा पता चला है कि एक गिरोह ये काम करता था जो टेम्पो में से जो जिसके ऊपर मिल्क वैन लिखा है ऐसे टेम्पो में से वो गांजा की तस्करी करते थे ताकि पुलिस को और अन्य लोगों को एजेंसी को उनकी बहक ना लगे, इसलिए वो कवर लेके ऐसा इस तरह से ट्रांसपोर्ट करते थे ऐसा लग रहा है। हम लोग इसकी अधिक छानबीन कर रहे हैं। किसी को बेचनी हो सकती है? मेरी जानकारी में 110 किलो बड़ी क्वांटिटी है, फिर भी ये लाते कितने थे और बेचने का काम जैसे हमको अभी मिला है कि थाना मेरा भाईंगर और बॉम्बे में कहीं जगह पे मुंबई में ये लोग बेचा करते थे, तभी और जानकारी हम लोग इसमें से जुड़ा रहे हैं।